दोस्तों आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। इससे पहले मैं आपको एंटोनिम्स के बारे में बता चुका हूँ। एंटोनिम्स के ऊपर मैंने तकरीबन 5 से 6 वीडियो डाली थी। तो अगर आप रियल में एंटोनिम्स याद करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं 11th के 12th के या किसी प्रकार के आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको एंटोनिम्स ऐसे याद हो जाएंगे कि आपने जीवन में कभी याद नहीं होंगे। तो आज मैंने जो एंटोनिम्स के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो एक प्रीफिक्स लिया है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन कौन से मीनिंग्स हैं जिसमें हम अन का यूज करते हैं और उसको हम एंटोनिम्स बना देते हैं। उस मीनिंगों को देखेंगे कि किन किन वर्डों में अन लगा के उसको एंटोनिम्स बनाया जाता है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, आप स्टार्टिंग में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सेल्फ। तो देखेंगे आज हम सबसे पहले लिखा सना है अब दूरी की। इस मामले की लड़की ले ली सना है और अब दूरी की। तो पहला मीनिंग लिया है सना है अब दूरी की, तो उससे बनाते तो सा से बना है सेफ और एन ए से बना है नेचुरल, आ से बना है हैप्पी और एव से बना है एवल और डू से डूई बना है और री से बना है राइट और की से बना है काइंड। तो एस ए से बना है सेफ, एन ए से बना है नेचुरल और एच ए से बना है हैप्पी और एफ से बना है एवल और डू से डूई है और आर आई से बना है राइट और के आई से बना है काइंड। तो सेफ माने तो सुरक्षित और नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, हैप्पी माने होता है खुश, वैसे इसका रिचिंग हो सकता है, एवर मीन्स होता है योग और डू मीन्स होता है करना और राइट मीन्स होता है पकड़ और काइंड मीन्स होता है दया। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जैसे बोलते हैं ना प्रमाण पत्र, तो सर्टिफिकेट में सर और टी और फिर और के, तो सर से बनाया सर्टेन और फीस और टी से बनाया टाइम, एफ आई फिर से बनाया फिट और सी से बने दो मीनिंग बने क्लियर और कॉमन और एट से बनाया फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट तो ये जो ए टी ई लिया है बाद में यूज किया है इस फॉर्चुनेट लिए। तो सर से बनाया सर्टेन, टी से बनाया टाइम और फी से बनाया फिट और सी से बनाया क्लियर और कॉमन और एट से बनाया फॉर्चुनेट। तो सर में सुधा सर्टेन में सुधा निश्चित, टाइम सुधा बांधना फिट उचित और क्लियर होता है साफ, कॉमन होता है साधारण और फॉर्चुनेट में सुधा है भाग्यशाली। नेक्स्ट है उससे एक फुल टेबल ली, मैंने किसी व्यक्ति से दी, मैंने कहा उससे एक फुल टेबल ली, किसी से मैंने एक फुल टेबल ली, तो उससे बनाए यूजुअल और से बनाए वाइज और इक्वल और फुल से बनाए सक्सेसफुल ग्रेटफुल और थैंकफुल फेथफुल सॉरी। तो यहां फुल लास्ट में यूज किया गया जैसे सक्सेसफुल ग्रेटफुल फेथफुल। नेक्स्ट टेबल जैसे बोलेंगे स्यू टेबल, इसमें भी टेबल शब्द का यूज लास्ट में किया गया, तो मैंने अंडरलाइन कर दी जैसे पता चल जाएगा लास्ट में यूज किया गया। तो फुल सक्सेसफुल ग्रेटफुल फेथफुल और टेबल से बनाए शू टेबल और ली से बनाए सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। तो यूजुअल आमतौर पर वाइज होता है बुद्धिमान, इक्वल होता है बराबर और सक्सेसफुल होता है सफल, ग्रेटफुल मीन्स होता है आभारी, फेथफुल मान होता है आज्ञाकारी और सूटेबल में सुधा उचित और सिविलाइज्ड में सुधा शब्द। तो ये जो ली बीच में यूज किया गया इसमें
तो ली से बना है सिविलाइज्ड, नेक्स्ट लास्ट फेरी जस्ट, फरी होती है उसी से लिया है फेरी जस्ट, तो फे से बना है फैमिलियर, फैमिलियर, और री से बना है रिगोरस, रिगोरियस, रिगोरस, और जैसे बना है जस्ट और स्टडी, स्टेडी होती है। तो पहला मीनिंग है फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, मिलता जुलता, रिगोरियस मतलब सख्त, रिगोरियस, और जस्ट मतलब जस्ट, जस्ट उसका न्याय, न्याय, और एस टी से मतलब स्टडी, जिसका मतलब होता है स्थिर। तो फैमिलियर, रिगोरस, जस्ट और स्टडी, तो इसके माध्यम से आप इतना इजी तरीके से याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। अगर इस तरीके से आप मीनिंग की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली कभी भी भूलेंगे भी नहीं और बहुत समय तक याद रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले कृपया प्लीज, अगर ये आपको पसंद आ रही है वीडियो, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।